नमस्कार चाचा, कैसे हो? ठीक है। तो चाचा क्या रिक्शा चलाते हो क्या? हाँ जी। हाँ रिक्शा चलाते हो? अच्छा चलाते हैं। तो इतनी ठंड में आप मतलब कैसे पूरा दिन चलाते हो रिक्शा? पूरा दिन चलाना पड़ता है, रात को 9 बजे तक, सुबह निकलते हैं 8 बजे। सुबह 8 बजे घर से निकलते हो, रात को 9 बजे तक? रात को 9 बजे तक। हाँ, जिसमें से अभी देखो सुबह का 40 रुपये बनाए। 40 रुपये बनाए? हाँ। कितना बन जाता है मतलब 100-150-200 बन जाता है पूरे दिन में? डेट बन अभी ये ठंड के वजह से नहीं बन रहा कोई पैसा। अच्छा, ठंड में काम कम है? बहुत कम है, बोनी तक नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। आज मैंने 40 रुपये बनाए सुबह लेके। 40 रुपये बने सुबह से? हाँ, सुबह 40 ही बने। 40 रुपये। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में कौन कितने जने हैं? मतलब कमाने वाला नहीं है कोई? नहीं, लड़का नहीं हमारा कोई। अच्छा, लड़की लड़कियाँ हैं? तीन लड़कियाँ हैं। तो मतलब अकेले आप ही हो फैमिली में कमाने वाले? ना, हम तो 5 जने हैं ना, 3 लड़कियाँ हैं। अच्छा, दो मियाँ भी 5 जने फैमिली में। तो पूरे दिन का मतलब जो भी ऐसे गुजारा करते हो मतलब जितना भी कम जाता है जैसे? हाँ, जैसे अब हमारे किलो दूर 50 रुपये की सब्जी लग जाती है रोज़, पैसा बनता है कोई नहीं है, फिर उसी में गुजारा ही करना पड़ता है। मतलब जितना कम जाता है उसमें गुजारा करना पड़ता है? हाँ, जितना कम उसी में गुजारा करना। आपकी उम्र कितनी होगी चाचा? मेरी उम्र हो गई है 60 के करीब है। 60 के करीब आपकी उम्र है और आप रिक्शा चलाते हैं? मैं चाचा कितनी हिम्मत की बात है, आप ऐसे लोगों के लिए मिसाल हो जो मतलब देखें कि अच्छी खासी उम्र होती है और मतलब काम नहीं करते हैं। हाँ देखो, फिर चलाना पड़ता है, अब देखो मजबूरी है, बच्चे पालनी है। चाचा मुझे यहाँ थोड़ी आगे चौक तक जाना था, आप तो मुझे वहाँ छोड़ देना। हाँ छोड़ देंगे। और बाकी चाचा आपसे बात करके बड़ी हिम्मत मुझे मिल रही है और मुझसे जो मदद होगी वो मैं आपकी करूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाना खाया आपने? नहीं, खाना तो मैंने खा लिया। हाँ खा लिया है ना, मेरी तरफ को देखो, खाना खा लिया है ना? खाया। अच्छा चलो, तो आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ दो, बाकी मुझसे जो होगा जो भी मदद होगी वो मैं आपकी करूँगा। ठीक है चाचा। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक लाने के लिए, बाकी मुझसे जो मदद हो रही है वो मैं आपकी कर रहा हूँ और मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, कभी मुझे आप कॉल करना। अब जैसे कोई भी मजबूरी परेशानी आगे पड़े तो मुझसे जो भी होगा ना, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और बाकी आप ये मेरी तरफ से रख लीजिए, बस ना मत बोलना, ये आप मेरी तरफ से रख लीजिए। और एक बार बस ठीक है चाचा, बाकी मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी से ही फ़ोन करा देना। ये मत सोचना कि मैं फ़ोन नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए और वीडियो पे इतना प्यार बनाए रखने के लिए। गाइज इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि जिन बाबा से मैं मिला हूँ उनकी 3 बेटियाँ हैं और मैं उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुका हूँ और मैं उनसे दोबारा भी कॉन्टैक्ट करूँगा और मैंने बोला है कि 8 या 10 दिन में मुझे कॉल करना। तो आपकी तरफ से जो भी मुझे सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आप जितना भी वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं उनसे दोबारा मिलूँगा और आपको वीडियो में दिखाऊँगा। गाइज तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबके साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए ऐसी।